कोरोना रोजाना लोगों की जान ले रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी से कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई। इंसान ने खुद को कभी इतना बेबस नहीं पाया था। अपनी आंखों के सामने किसी अपने को तड़पता देखना और कुछ ना कर पाना, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों का दम तोड़ देना, जीवन रक्षक इंजेक्शन के लिए ना खत्म होने वाली दौड़। कोरोना की दूसरी लहर ने इंसान को सब कुछ दिखाया और ये खौफनाक तस्वीर अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये बुरा वक्त जल्द बीत सकता है तो सावधान हो जाइए। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की चेतावनी है कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसी तरह कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, क्योंकि ये खतरनाक वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। इसीलिए तीसरी लहर को टालना मुश्किल है, लेकिन तीसरी लहर कब आएगी ये कहना भी मुश्किल है। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. देश कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा है। इस लहर ने देश को जितना दर्द और खौफ दिया है, उसके मुकाबले पहली लहर कुछ भी नहीं लगती। ऐसे में सवाल खड़ा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो क्या वो और भी विनाशकारी होगी? क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करके तीसरी लहर की धार को रोका जा सकता है? फिलहाल जानकार इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सरकारच्या विज्ञान विषयक सल्लागारांनी एक इशारा दिलेला आहे की देशामध्ये तिसरी लाट येते आहे, सावध रहा। सावध रहा म्हणजे काय करायचं? तर नवीन काय नाही आहे त्याच गोष्टी। दूसरी लहर में कोविड वायरस का रूप विकराल है। खासतौर से इसे लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये अपना फैलाव नित नए इलाकों में कर रहा है। जैसे कर्नाटक और बेंगलुरु का उदाहरण लीजिए। बेंगलुरु से कल 23,106 नए केस सामने आए। किसी एक शहर से एक दिन में इतने ज्यादा कोविड केस अब तक नहीं आए थे। बेंगलुरु की वजह से ही कल कर्नाटक में कोविड के नए मरीजों की संख्या 50,112 तक पहुंच गई। राज्यों में 346 लोगों की कल कोरोना से मौत हो गई। इसी तरह अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में तेजी से उछाल दर्ज हुआ था, लेकिन इन इलाकों में अब कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, जबकि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर में अहम चिंता ये बनकर आई है कि जब कोविड केस कम होते दिखते हैं, तभी ये अचानक बढ़ जाता है। देश के पिछले 5 दिनों के मामले देख लीजिए। 1 अप्रैल 4,01,993 मामले, 2 अप्रैल को 3,92,448 मामले, 3 अप्रैल को 3,68,147 मामले, 4 अप्रैल को 3,57,229 मामले, जबकि 5 अप्रैल को 3,82,315 मामले। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है। उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। साफ है कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। ऐसे में जरूरी है सावधानी। अगर तीसरी लहर रोकी नहीं जा सकती तो कम से कम इससे होने वाले विनाश की दर को तो सावधानी और एहतियात से रोका ही जा सकता है।
तो आप रहिए सावधान। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।